साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे, कुछ भाइयों के कमेंट थे आप लोगों के, तो मैं वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर टॉपिक पे हर कंट्री से रिलेटेड आपको अलग अलग समय समय पर वीडियो जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शॉर्टली तरीके से शुरुआत करते हैं। मनोज कुमार जी बोलते हैं, सर 6 मंथ का शटडाउन वीजा फ्री वीजा है, एजेंट बोल रहा है गमका मेडिकल करवाना पड़ेगा, क्या सही है या गलत? तो भाई मैं बता दूं कि एजेंट बोल रहा है कि वीजा फ्री है तो बहुत अच्छी बात है। विजिट वीजा बहुत सारी कंपनियां, ये जो शटडाउन वीजा वो फ्री होता है, टिकट फ्री हो वीजा फ्री होता है, लेकिन ये तो एजेंटों का चक्कर होता है कि वो पैसे ले लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीजा फ्री सब कुछ फ्री, इसका मतलब ये वर्क परमिट नहीं है, तो वर्क परमिट नहीं है तो आपको फिर मेडिकल करवाने की कहाँ जरूरत पड़ गई। तो ये बिल्कुल मेडिकल फ्री होता है, मेडिकल होता ही नहीं है, होता है तो नॉर्मल आप 500-700 रुपये मेडिकल करवा सकते हैं, जिसमें ब्लड और बॉडी का जो एक्सरे होता है वो दो चीज़ें चेक होती हैं। उस वीजा के विभाग पे आप कंपनी आपको लेके जा सकती है। बाकी इसमें 7-8 हज़ार रुपये मेडिकल का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लगाता है तो एजेंट बेवकूफ है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी इसका मेडिकल नहीं होता, ठीक है भाई, जा सकता, ठीक है भाई। हसन अहमद बोलते हैं, सर 6 मंथ का शटडाउन कुवैत वीजा में मेडिकल होता है क्या, एंड PCC भी होती है क्या, नहीं बताओ। भाई देखिए, शटडाउन वीजा में मेडिकल नॉर्मल करवा सकते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसमें नॉर्मल मेडिकल 500-700 रुपये में होता है। और दूसरी बात, PCC की कोई जरूरत नहीं होती, नॉर्मल मेडिकल होता है उसमें PCC, और नॉर्मल मेडिकल होता है तो विजिट वीजा में PCC की कहाँ जरूरत है। शटडाउन तो एक विजिट वीजा टाइप होता है, तो PCC की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ये एजेंट बेको बना देते हैं भाई, पैसा PCC के नाम से दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है। GDS निक्का बोलते हैं, सर ब्लैक बोर्ड पे सर्च कोई अदर यूज करो, प्रॉपर शो नहीं हो रहा है। भाई देखिए, ब्लैक बोर्ड पे मैंने एक स्टार्ट किया था कि ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को बोल के की बजाय लिख के समझाऊं तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड की बड़ी समस्या है कि लिखने में फिर वो लाइटिंग की प्रकार लाइटिंग पड़ जाती है तो समझ में नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको फेस टू फेस यानी माउथ टू माउथ ही आपको सब बताऊं मैं, ताकि उसमें आपको फिर ये इजी होगा, इसमें देखने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा कमेंट आते हैं कि पीछे बोर्ड पे दिखाई नहीं देता, तो इस सिस्टम को अपन बंद करने जा रहे हैं। तो फिर आराम से बोली से आपको आराम से समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। विजय सेन फिर बोलते हैं, सर आपके पीछे व्हाइट कलर है, इसमें कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आता है, इसलिए प्लीज पीछे ब्लैक बोर्ड लगा के ध्यान दीजिए। भाई ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड है, फिर लाइटिंग भी व्हाइट होती है, ठीक है, फिर थोड़ा सा मोबाइल का ब्राइटनेस होता है, उसको भी थोड़ा हाईलाइट करना पड़ता है तो अच्छा दिखने के लिए, तो फिर वो व्हाइट में व्हाइट हो जाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसका समाधान अपन जल्दी कर लेंगे और इसको मैटर को खत्म ही कर लेंगे भाई, मैं बोल के आपको बता दूंगा, आपको अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वीडियो मैंने स्टार्ट किया था लिख के समझाना, ठीक है। क्लास में बच्चों को जैसे लिख के समझाया जाता है वैसे मैंने ट्राई किया, बाकी ये सक्सेस नहीं है तो अपन इसको बंद कर देंगे, माउथ टू माउथ अपन बात करेंगे, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भाइयों के क्वेश्चन थे, अगर आप लोगों का भी कोई कमेंट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन का बटन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आपको सही जानकारी सही मोटिवेशन मिलती रहे। जय हिंद।